कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को मात देते हुए भारी बहुमत से प्रचंड जीत हासिल की है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इसे बड़ी जीत की तरह देख रही है। इस जीत के बाद कांग्रेस की साउथ में फिर से वापसी हो गई है। कांग्रेस प्रचार अभियान और मैनिफेस्टो को जीत की वजह बता रही है, लेकिन इस बदलाव के पीछे एक नाम की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। वो नाम है सुनील कानूगोलू का। बताया जा रहा है सुनील कानूगोलू ने ही कर्नाटक में कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी, जिसका परिणाम आज ये है कि कांग्रेस ने अपना जीत का झंडा बुलंद किया है। ऐसे में सवाल है कि कौन है सुनील कानूगोलू। 40 साल के सुनील कर्नाटक के बेल्लारी के रहने वाले हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई अपने गृह जनपद में हुई, आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई गए, फिर वहीं से अमेरिका चले गए। अमेरिका में फाइनेंस और एमबीए की डिग्री हासिल की। अमेरिका में कुछ दिन काम भी किया। साल 2009 में सुनील अमेरिका से वापस भारत आ गए। सुनील मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट में पूरी तरह माहिर हैं। कांग्रेस ने बीते साल मार्च में सुनील को बतौर चुनावी रणनीतिकार के रूप में पार्टी में शामिल किया था। कांग्रेस ने पिछले साल मई में 2024 के लिए एक टास्क फोर्स स्थापित की। इसमें चुनावी रणनीतिकार सुनील को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सुनील इसके पहले डीएमके, बीजेपी समेत कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से सुनील बिल्कुल लो प्रोफाइल के हैं, मीडिया की चमक धमक से दूर रहने वाले हैं, पर्दे के पीछे काम करना पसंद करते हैं। इसलिए कई चुनावी रणनीतिक दलों को जीत दिलाने के बावजूद भी कभी मीडिया के सामने नहीं आए। सुनील की मौजूदगी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है। व्हाट्सएप पर भी वो अपनी फोटो नहीं लगाते हैं। इतना ही नहीं, सुनील साल 2014 से पहले प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके हैं। सुनील 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में एक महत्वपूर्ण हिस्से थे। उन्होंने बीजेपी के एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनावी रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। न्यूज 18 से बातचीत में सुनील ने बताया कि वो लगातार चलने वाले चुनावों की रणनीति तैयार करने में कुछ वक्त के लिए आराम चाहते थे, लेकिन तत्कालीन तमिलनाडु के सीएम पालीन स्वामी ने उन्हें चुनाव और सरकारी नीतियों पर सलाह देने के लिए राजी किया। सुनील को जानने वाले बताते हैं, सुनील मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट में पूरी तरह माहिर हैं। सुनील ने ही कांग्रेस के कई सारे कैंपेन कर्नाटक में डिजाइन किए थे।